नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसके पहले हमने स्किनर की थ्योरी और पेवलोव की थ्योरी को पढ़ा। अब हम उनके उनके जो उन्होंने सिद्धांत बताए उनमें अंतर से उन दोनों पेवलोव की और स्किनर की दोनों की थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर फिलहाल अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो अंतर में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सहज अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहला अंतर है, इस सिद्धांत को पेवलोव ने 1938 में बनाया। यह अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में सहायता करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अमेरिकी वैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने प्रतिपादित किया। यह क्रियात्मक व्यवहार सीखने में सहायक होता है। यह अनुक्रियात्मक व्यवहार सीखने में सहायक होता है। यह क्रियात्मक व्यवहार सीखने में सहायक होता है। दूसरा है, इसे उद्दीपन अनुबंधन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वांछित अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए उद्दीपन के महत्व को बल दिया जाता है। इसे उद्दीपन अनुबंधन भी कहते हैं क्योंकि इसमें उद्दीपन को ज्यादा बल दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, क्रिया प्रसूत में इसे अनुक्रिया अनुबंधन कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुक्रिया पर बल दिया जाता है। इसमें उद्दीपन पर बल दिया जाता है, स्टिमुलस एस टाइप, इसलिए इसे एस टाइप कहते हैं क्योंकि स्टिमुलस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। और आर टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें रीइंफोर्स पर ज्यादा बल दिया जाता है। अगला है, इसमें कार्य का आरंभ किसी विशिष्ट उद्दीपन की सहायता से किया जाता है जिससे कुछ निश्चित अनुक्रियाएं प्राप्त हो जाती है। इसमें कार्य का प्रारंभ किसी विशिष्ट उद्दीपन की सहायता से किया जाता है जिससे कुछ अनुक्रियाएं प्राप्त होती हैं। और क्रिया प्रसूत में क्या होता है, इसमें प्रारंभ प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से होने वाली अनुक्रियाओं से होता है और फिर उनका रूप निर्धारण किया जाता है। अगला है दोस्तों, इसमें उद्दीपन और अनुक्रिया में निश्चित संबंध होता है। उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों में निश्चित संबंध होता है। उद्दीपन द्वारा ही विशिष्ट अनुक्रिया प्राप्त होती है, जैसे भोजन मिलने पे लार आता है। इसमें अनुबंधित अनुक्रिया को किसी ज्ञात उद्दीपन के साथ संबंधित नहीं किया जाता है। इसमें उद्दीपन ज्ञात नहीं होता है और उससे संबंधित भी नहीं किया जाता है, बाद में पुनर्वलन किया जाता है। पांचवा, इसमें असमायोजनहीन उद्दीपन द्वारा पुनर्वलन प्रस्तुत किया जाता है। ये समायोजित पुनर्वलन नहीं होता, इसमें असमायोजित उद्दीपन द्वारा इसमें पुनर्वलन किया जाता है। और इसमें अनुक्रिया जो क्रिया होती है अनुबंधित पुनर्वलन को प्रकट करती है। इसमें पुनर्वलन अनुक्रिया पर निर्भर होता है, अनुक्रिया जो हो रही है उस पर निर्भर होता है। छठवां दोस्तों, यह अनुक्रियात्मक व्यवहार या स्वचालित नाड़ी संस्थान के अनैच्छिक व्यवहार का मापन करता है। यह अनुक्रियात्मक व्यवहार या स्वयं चलित नाड़ी संस्थान के अनैच्छिक व्यवहार का मापन करता है। और यह सक्रिय व्यवहार केंद्रीय नाड़ी संस्थान के ऐच्छिक व्यवहार का मापन करता है। ध्यान, इसे अंतर में समझने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए कि इसमें स्वचालित नाड़ी संस्थान है और उसमें केंद्रीय नाड़ी संस्थान है। इसमें अनैच्छिक व्यवहार है, इसमें ऐच्छिक व्यवहार है। सातवां दोस्तों, इसमें सीखना उद्दीपन की स्थानापन्नता पर आधारित होता है। सीखना जो है उद्दीपन पर डिपेंडेंट होता है और इसमें सीखना अनुक्रिया के परिकार पर आधारित होता है। अनुक्रिया पर आधारित होता है, उद्दीपन पर आधारित होता है, लेकिन उद्दीपन स्थानापन स्थान से बदलने पर होता है और ये परिकार पर होता है। आठवां दोस्तों, ये उद्दीपोन्मुख होती है, मतलब इसमें स्टिमुलस जो है बहुत बहुत ही उपयोगी होता है, उस पर आधारित होता है। और यह अनुक्रिया उन्मुख होती है, क्रिया पर आधारित होती है। दसवां, नौवां, इसमें क्रियाओं की शक्ति आरंभ से शून्य भी हो सकती है। इसमें क्रियाओं की शक्ति आरंभ में शून्य भी हो सकती है, स्टार्टिंग में जो शक्ति है वो जीरो भी हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें शक्ति शून्य नहीं हो सकती क्योंकि पुनर्बलन से पहले
कम से कम एक बार उसे घटित होना ही पड़ता है, उसके बाद पुनर्बलन मिलता है। और दसवां दोस्तों, इसमें पुनर्बलन पहले दिया जाता है, जैसे पेवलो के प्रयोग में अनुक्रिया को प्रेरित करने के लिए पहले भोजन दिया गया तब कुत्ते को लार आई। दसवां, इसमें प्राणी द्वारा अनुक्रिया होने के पश्चात पुनर्बलन प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों अगला है दोस्तों 11 नंबर, इसमें अनुबंधनहीन उद्दीपन द्वारा अनुबंधन युक्त अनुक्रिया सहज रूप से बाध्य की जाती है। इसमें अनुबंधनहीन उद्दीपन द्वारा अनुबंधन युक्त अनुक्रिया सहज रूप से बाध्य की जाती है, और इसमें अनुक्रिया अधिक स्वाभाविक और ऐच्छिक होती है। इसमें जो अनुक्रिया होती है उसमें स्वाभाविक और ऐच्छिक होती है, लेकिन इसमें अनुबंधनहीन से अनुबंधन की ओर जाती है। 12वां है, अनुक्रियात्मक व्यवहार आंतरिक होता है, इसमें गुप्त वैयक्तिक गुण होता है। जो ये अनुक्रियात्मक व्यवहार होता है पेवलोव की थ्योरी में, वो वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक और आंतरिक होता है। लेकिन जो सक्रिय व्यवहार क्रिया प्रसूत अनुबंधन में होता है, सक्रिय व्यवहार बाह्य होता है। यह ऐसा व्यवहार है जो प्राणी को वातावरण पर की गई क्रिया को प्रकट करता है। अगला 13वां है, अनुबंधन की शक्ति प्रायः अनुबंधन युक्त अनुक्रिया की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती है कि उसमें मात्रा कितनी है, और अनुबंधन की शक्ति अनुक्रिया के भाव द्वारा प्रकट होती है। 14 है, इसमें दंड, बुरी आदत छुड़ाने एवं अवांछित व्यवहार को भूल जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया है, पेवलोव की थ्योरी का जो सिद्धांत है, इस प्रकार की क्रिया दंड देकर, बुरी आदत छुड़वा कर या अवांछनीय व्यवहार को बदल कर किया जाता है, और इसका ठीक उल्टा इसमें होता है। यह चाहता है कि वांछनीय व्यवहार को पुनर्बलन द्वारा सुदृढ़ किया जाए, इसमें बढ़ावा मिलता है और इसमें रोका जाता है। 15वां है, इसका संबंध सीखने वाले के स्वचालित तंत्रिका तंत्र से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। 16वां, यह उद्दीपक एस सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब स्टिमुलस उद्दीपक पर। यह प्रतिक्रिया मतलब पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट पे के सिद्धांत पे वो काम करता है। 17वां, व्यक्ति या प्रायोज्य निष्क्रिय रहता है। इसमें जो व्यक्ति और प्रायोज्य वो निष्क्रिय होता है, और व्यक्ति या प्रायोज्य इसमें सक्रिय होता है। जिस जैसे कुत्ते पर किया तो इसमें कुत्ता निष्क्रिय होगा, लेकिन जो प्रयोग कबूतर पे, चूहे पे किया गया, वो चूहा और कबूतर सक्रिय रहते हैं। 18वां, प्रतिक्रिया के पहले पुनर्बलन दिया जाता है। जो प्रतिक्रिया होने वाली है उसके पहले पुनर्बलन दिया जाता है, और प्रतिक्रिया होने पर ही पुनर्बलन दिया जाता है, मतलब प्रतिक्रिया के पहले पुनर्बलन दिया जाता है पेवलोव में, और प्रतिक्रिया होने अगर होगी तभी पुनर्बलन यहाँ पे दिया जाएगा। 19वां है, डर, दुश्चिंता आदि अभिजात अनुसंधान का यह नतीजा है, और अभिरुचि, अभिवृद्धि और मूल्य यह साधक अभिसंधान का नतीजा है। अगला, इसमें सीखने वाला स्वतंत्र नहीं होता, जो सीख रहा है उसमें वो स्वतंत्र नहीं होता है पेवलोव की थ्योरी में, और इसमें सीखने वाले को अनुक्रिया करने के लिए काफी स्वतंत्रता मिलती है। स्किनर की थ्योरी में स्वतंत्रता काफी मिलती है। अगला दोस्तों, इसमें वातावरण प्राणी पर कार्य करता है। और जो स्किनर की थ्योरी में ठीक उल्टा होता है, प्राणी वातावरण पर कार्य करता है, और यह समीपता के नियम द्वारा परिचालित होता है, और यह प्रभाव के नियम द्वारा परिचालित होता है। तो दोस्तों आशा है आप लोग को स्किनर की थ्योरी और पेवलोव की थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने सहज अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर द्वारा पेवलोव की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है, क्या क्या उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। और दोस्तों जो मेरे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई थ्योरी लेकर।
तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।